हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द फ्यूजन चार्ट। फ्यूजन चार्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बिकॉज इसमें हम लोग अपने जो हमारे पुराने स्टॉक्स थे, जो रिकमेंडेशन दिया था मैंने चैनल पर और ट्विटर पर, तो वो सारे उनके मूव्स, उनके लॉजिक्स और वो अभी तक क्यों होल्ड कर रखे हैं, उनके पीछे का लॉजिक, ये सारा चीज़ समझेंगे हम लोग। और कुछ एक सेक्टोरियल एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं आने वाले वीक में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, और एक दो स्टॉक्स जो कि मेरे रडार पर आए हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसमें और बड़ा मूव आ सकता है उनमें, तो वो सारे स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर हमारे ट्विटर की, इंस्टाग्राम की और आपका टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। और सारे छोटे छोटे स्मॉल जो भी हमारे अपडेट्स होते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे होते हैं, चार्ट वगैरह सारे ट्विटर पे शेयर हो रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट गाइस। सबसे पहला है सन फार्मा। सन फार्मा, इफ़ यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाली थी, प्रीवियस से प्रीवियस वीडियो, तो वहाँ पर सन फार्मा रिकमेंडेशन दिया था 590। रीज़न बहुत ही सिंपल है, मैं इसको इसके बारे में भी आपको आपसे डिस्कस करता हूँ, बिकॉज प्राइस क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ कोशिश करी थी ट्रेंड चेंज होने की लेकिन फेल हो गया था। एंड अगेन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस जो बनाया था इसने, वही यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करा था इसका, तो यहाँ से एक बाउंस हुआ। एंड ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम इसकी, तो यहाँ से लेकर यहाँ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनती है, तो यहाँ एक सपोर्ट लिया था इसने, जहाँ पर मैंने रिकमेंडेशन दी थी 590 पे, एंड नाउ इट्स रनिंग 620। तो अभी भी इसमें अच्छे अपसाइड हम देख सकते हैं सन फार्मा में, दैट द रीज़न बिहाइंड इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, बिकॉज वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे और समझते हैं। ओके, ये हीरो मोटोकॉर्प जो हमने बाई करा था, उसके पीछे का लॉजिक और रीज़न हम लोग समझते हैं। सबसे बड़ा लॉजिक और रीज़न था, देखो डेली चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ, डेली चार्ट पे ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था जो कि ये वाला था, जो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो एक शार्प मूव वहाँ पर आते हुए दिखा था, प्लस हम वीकली में जाके देखेंगे तो वीकली में एक चीज़ नोटिस करने वाली थी, एक सपोर्ट। सपोर्ट कौन सा? ये जो रेजिस्टेंस था, यहीं से ये सपोर्ट ले रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार, तो यहाँ पर जब ये हैमर बना, एंड एक आपको यहाँ दिखेगा एक छोटी सी इनसाइड कैंडल, बहुत छोटी सी इनसाइड कैंडल, उसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी था। जैसे ये ब्रेक हुआ, मतलब उसका हाई जैसे ब्रेक हुआ, एंड वहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर ली थी हीरो मोटोकॉर्प में, एंड वी आर स्टिल वेटिंग के यहाँ से अच्छा मूव देखते मिल दिखे हम लोगों को हीरो मोटोकॉर्प में। दैट्स द रीज़न बिहाइंड इट, बहुत सिंपल रीज़न था। और सबसे पहली, सबसे आसान बात जो आपको समझ में आएगी, वो सबसे ये कि एक क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और ट्रेंड ऑलरेडी यहाँ चेंज हो चुका था, ठीक है। ट्रेंड यहाँ चेंज हो सकता था और यहाँ पर भी हम पॉसिबिलिटी पूरी है कि यहाँ पर भी ट्रेंड चेंज हो गया था, तो यहाँ पर एक हायर हाई हायर लो बन रहे थे। और अगर मैं आपको एक ढंग से चीज़ दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि एक तरीके से एक डायमंड पैटर्न टाइप फॉर्मेशन हो रही है इसकी। ओके, सो देख, तो ये एक अच्छा मूव के संकेत होते हैं कि स्टॉक एक अच्छी तरीके से मूव करेगा आने वाले टाइम में। सो दैट्स द रीज़न बिहाइंड इट हम लोगों ने हीरो मोटोकॉर्प को खरीदा था। ओके, नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज एस्कॉट्स। ओके, एस्कॉट्स में तो छोड़िए, ये है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट हम लोगों ने यहाँ बाई करा था गाइस, एंड ये एक पैराबोलिक मूव की तरह मूव आया अभी तक, एंड स्टिल होल्डिंग 20-30% इवन, आई डोंट नो, लेकिन 70% हम लोगों ने इसमें एग्जिट ही कर दिया, 30% 20% हम लोग होल्ड कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ द मूव इज। ओके, यू कैन सी कितना क्लियर मूव था, बहुत सिंपल रीजन था इसके पीछे, जो ये एक रेजिस्टेंस था, ये वाला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ये एक ब्रेक करके ऊपर की तरफ जब प्राइस सस्टेन करने लगा था, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक सपोर्ट पर बाई करा था, एंड दिस इज द मूव वी आर ट्रेलिंग स्टिल, ठीक है। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। इन द स्टावर ऑलरेडी आई रिकमेंडेड इन माई वीडियो, यूट्यूब वीडियो, आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया था करीबन 235 के आसपास, एंड नाउ इट हिट 270 प्लस, सो अब स्टिल वी आर होल्डिंग, और हम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बड़ी मूव और इसमें, ठीक है, इन द स्टावर में। नेक्स्ट इज सिप्ला। सिप्ला ऑलरेडी आई रिकमेंडेड, ऑलरेडी मैंने यहीं कहीं बताया था आपको, इधर हम लोग बाई करे हुए हैं। ओके, एंड यहाँ पर मेरी सेकंड पोजीशन बनती अगर ये उस दिन फ्राइडे को ब्रेक कर देता सिप्ला अबव 845 के ऊपर सस्टेन करता, देन आई विल डेफिनेटली ऐड मोर सिप्ला ऑन इट, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं तो हम लोगों ने वहाँ ऐड नहीं करा, बट देखते हैं टुमारो मंडे को कुछ ना कुछ हो तो होपफुली। अभी इसका रीज़न क्या था, रीज़न मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ और दोबारा समझा देता हूँ कि ये क्या कहते हैं, इस पैटर्न में चल रहा था, पैटर्न को ब्रेक करने के बाद ये जो हाई बनाया था इसने, उसको ब्रेक करके इसी पे सपोर्ट ले रहा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने इस पर
वहाँ पर बाई करा था, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। ओके, अब वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम एक्टिविटी और दिनों के मुकाबले इसी लेवल पर ज़्यादा थी। सो दिस इज एक्यूमुलेशन जोन एंड यू कैन सी दिस कि वहाँ से अपसाइड देखने को मिल सकती है। और बहुत 2016 का जो हाई था वो टूटा है, तो दैट मीन्स एक बड़ा मूव तो आना पॉसिबिलिटी है वहाँ पर सिप्ला में। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अजंता फार्मा, ऑलरेडी डिस्कस्ड, आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया था 1660 और 70 के आसपास, एंड नाउ इट्स गोइंग गुड। रीज़न आप लोगों को सबको पता है, पहले ही मैंने शेयर कर दिया, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। एंड ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में बना रहा था, कंसोलिडेट होते हुए उसने ब्रेकआउट दिया, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ओके, इमामी, इमामी भी मैंने रिकमेंडेशन दिया था, आप लोगों को बताई थी कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है हाई कि यहाँ से एक अच्छा अपमूव दे, और ये मैंने 2-3 बार बोला था कि इस पर नज़र बना के रखेंगे, कभी भी एक बड़ा मूव आ सकता है हम यहाँ जब ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, एंड दिस इज़ द मूव जो इसने एकदम से दे दिया था। ओके, तो होपफुली आप लोगों ने अच्छा इसको एंजॉय करा होगा, अच्छा गेन मिला हो अगर आप लोगों ने ये चीज़ फॉलो करी हो मेरी जो मैंने इमामी की रिकमेंडेशन दी थी। नेक्स्ट इज़ आपका डाबर, डाबर भी मैंने बताया था। ओके, डाबर भी हमारा रीज़न बहुत सिंपल था, एक सपोर्ट लाइन से सपोर्ट ले रहा था बार बार, और ये ब्रेक करने के बाद ही मैंने बोला था कि शार्प मूव आ सकता है, तो वही 3-4 कैंडल में एक बड़ा मूव आ गया। अब जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, एंड देन यू कैन सी कि एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ और आ सकता है FMCG में, ये FMCG का स्टॉक है। ओके, नेक्स्ट इज मैक्स फिनेंशियल, मैक्स फिनेंशियल वी आर स्टिल होल्डिंग। ओके, वॉट एट अराउंड दिस लेवल्स एंड स्टिल ट्रेलिंग, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन को हिट करेगा ऊपर वाली अपर ट्रेंड लाइन, क्योंकि वहाँ तक हम लोग इसको ट्रेल करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ऑलरेडी डिस्कस, मैंने अपनी पिछली यूट्यूब वीडियो में आप लोगों को देखा हुआ, आपने डिस्कस करा था एट अराउंड दिस लेवल 625 के आसपास, एंड स्टिल वी आर होल्डिंग बिकॉज हमें पता है कि यहाँ तक ये आ सकता है, पॉसिबिलिटी टारगेट ये तो, क्योंकि यही एक रेजिस्टेंस है जो बड़ा, जो एक बड़ा फॉल आया था यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा था वो लेवल, तो पॉसिबिलिटी है इस लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। सॉरी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग के 760 के टारगेट्स तो आए हैं। ओके, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं आ सकते, बट हो सकता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको देखने मिल जाए एक्सिस बैंक में टारगेट। तो MGL अगर किसी को याद हो तो मैंने एक डायमंड पैटर्न शेयर करा था MGL में, एंड आई वांट टू शो यू आल्सो MGL। ओके, दिस वन, तो MGL में क्लियरली डायमंड पैटर्न था, वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग रैली, वहाँ पर हम लोग पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पर एक बड़ा मूव आ सकता है, और अभी स्टार्ट हो गया मूव आना, सो वी आर एक्सपेक्टिंग के और बड़ा मूव आए, और ये पिछले जो हाई बना है इसका, ये भी इसको तोड़े, सो इस पर आप नज़र बना के रख सकते हैं MGL में। ओके, डायमंड पैटर्न है, डायमंड पैटर्न बहुत बुलिश पैटर्न होता है, और वहाँ पर एक बड़ा मूव आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। ओके, नेक्स्ट आपका है कैप्री ग्लोबल CGCL। तो CGCL में वी ऑलरेडी एंटर्ड, रीजन बहुत सिंपल है, 2-3 रेजिस्टेंस थे जो कि इसने वीकली पे ब्रेक करे थे, वहाँ एक फ्लैग पैटर्न बनाकर ऊपर जा रहा था, तो वी हैव एंटर्ड एट दिस पॉइंट। डेली चार्ट पर हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर एंटर करा था, एंड देन वहाँ से प्राइस बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है, और अब मैं ये नहीं बोलूँगा या मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा, लेकिन बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं अब इसको रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जबकि हम इसमें पहले से एंटर हो चुके हैं। ओके, सो दिस इज़ द पावर कि आप लोगों को अच्छी तरीके से टेक्निकल की नॉलेज हो और बेसिक चीज़ें पता हो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो यू कैन एंटर फार पहले ही, मतलब आप उसमें एंटर कर सकते हो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, ये नहीं है कि डायरेक्टली एंट्री करनी है, मैंने बोल दिया तो इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका सोनाटा सॉफ्ट। सोनाटा सॉफ्ट इज फॉलोइंग इट्स ट्रेंड लाइन, बहुत सिंपल है, यहाँ पर ये क्लियरली फॉर्मेशन बन रहा था, हायर हाई हायर लो, एंड ये एक सीधी सीधी इसमें चैनल में चल रहा था, अप चैनल में, एंड यहाँ पर हम लोगों ने रिकमेंडेशन दी थी विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस लेवल, एंड यहाँ से अच्छा खासा ये अपनी जो पिछला हाई था, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये उस पर उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी है, तो हम अराउंड इसकी ट्रेंड लाइन पर हम लोग अपनी क्वांटिटीज को बुक कर लेंगे। सोनाटा सॉफ्ट ऑलरेडी वी हैव बुक 20% इन इट, और जो भी हम ट्रेलिंग करेंगे वो करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है हैवल्स। हैवल्स रिकमेंडेशन दिया था एट दिस अराउंड दिस लेवल, यू कैन सर्च एनी स्टॉक इन टेलीग्राम, जैसे आप यहाँ पर हैशटैग डालकर, जैसे मैं हैवल्स आपको दिखाता हूँ, तो हैवल्स जाएंगे तो हैवल्स में ये मैंने रिकमेंडेशन दिया था हैवल्स एट 857 पर, तो आप कोई सा भी स्टॉक मेरा सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि मैंने कहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था, क्या सपोर्ट लेवल्स थे, वो सारी चीज़ आपको दिख जाएंगी, एंड यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आते हुए देखा आपको हैवल्स में। सो वी आर स्टिल ट्रेलिंग हैवल्स। ये हिडलबर्ग भी हम लोगों ने सीमेंट को यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया था एट अराउंड दिस लेवल, एंड वी आर स्टिल ट्रेलिंग। ओके, 20%
गेंस हम लोगों ने बुक कर लिए, एक राउंड बॉटम बना था, बहुत सिंपल था, सपोर्ट पे बाउंस करा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने बाई कर लिया था, वहाँ से ट्रेल करते हुए हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो दैट्स द रीज़न बिहाइंड इट। ओके, अभी एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी हुई है कि ये जो ये लेवल्स थे, जो रेजिस्टेंस था वो भी इसने तोड़ दिया, ठीक है। तो एक बड़ा रेजिस्टेंस तोड़ा है, तो दैट मीन्स एक बड़ा ही मूव एक्सपेक्टेड है ऊपर की तरफ। सो अगर हम इसका भी चार्ट देखें तो लेट्स सी, एच ई आई डी ई एल, ये सिंपल एक चार्ट पैटर्न था जो कि मैंने शेयर करा था, ये वाला इसका चार्ट, और यहाँ पर हमारा बाई था 201 202 के आसपास, एंड अच्छा खासा ये मूव कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सर्च एनी स्टॉक इन माई चैनल। सो आप चैनल पर जाकर ये सर्च बटन दबाकर, यहाँ पर आप हैशटैग डालकर कोई सा भी मेरे स्टॉक जो भी मैंने रिकमेंडेशन दिया, आप सर्च करके वहाँ सपोर्ट लेवल्स देख सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा एक फीचर है टेलीग्राम पर। ICICI पोटेंशियल बहुत ही सिंपल चार्ट था, बहुत ही प्लेन एंड क्लीन एंड सिंपल जैसे कहते हैं, बहुत ही यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, एक यहाँ पर कंसोलिडेशन बना था, वो फ्लैग पैटर्न अब ब्रेक करते हुए यहाँ पर अच्छा खासा मूव दे रहा है। हम लोगों की जो बाइंग थी वो 467 के आसपास थी, एंड स्टिल वी आर ट्रेलिंग, ओके, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो लेवल था, ये जो लेवल था ये वाला, तो यहाँ पर तो ये मतलब ऑलरेडी हमने 20% बुक कर चुके हैं, लेकिन इसको भी ये ब्रेक करे, ओके, सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट, एंड जब ये ब्रेक करेगा इसको, तो बिकॉज ये 2019 2020 का लेवल है, एंड तो बड़ी मूव आने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है इसमें। सो पिरामल एंटरप्राइजेस PEL ऑलरेडी शेयर्ड, उसका रीज़न क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न था सिंपली ट्रेंड चेंज हो रहा था, और ये जो सपोर्ट लेवल था जो मैंने शेयर करा था कि ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, पीछे भी मैंने इसको इस तरीके से यहाँ दिखाया था, ये एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से एक बड़ा मूव आया था, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, फिर एक यहाँ सपोर्ट, तो यहाँ से दोबारा सपोर्ट लिया था जब हम लोगों ने रिकमेंडेशन दिया था एट दिस लेवल अराउंड 1430-35 के आसपास, एंड वी आर स्टिल होल्डिंग दिस, और एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं PEL में। ओके, सो ये एक चार्ट था जो कि आप फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पर एक ये वाला ब्रेकआउट भी आ चुका है PEL में। सो नेक्स्ट इज जुबलियन फूड, जुबलियन फूड का वीकली चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, तो वी हैव बॉट एट जुबलियन फूड अराउंड 2560 के आसपास बुक करा था, एंड सॉरी बाई करा था। रीज़न बहुत सिंपल है, आप लोग क्लियर कट देख सकते हो, एक ट्रेंड लाइन के अंदर चल रहा था, उसको ब्रेक करके ये भी ये ट्रेंड लाइन पर वापस वापस आया, सो एक एंगल्फिंग पैटर्न टाइप बना था, और एक अच्छा खासा कन्फर्मेशन मिलते हुए हम लोगों ने यहाँ पर इसको बाई कर लिया, एंड स्टिल ट्रेलिंग, वी आर स्टिल ट्रेलिंग बिकॉज 20% हम लोग ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, एंड इस तरीके से हम लोग इसको होल्ड करे हुए थे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ वी मार्ट, वी मार्ट ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि बड़ा मूव आएगा ही आएगा इसमें, और वही सेम चीज़ हुई, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो आया, नहीं, पैटर्न दिख रहा है साहब, एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं धीरे धीरे, रिस्क मैनेज फॉलो करते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि ये ट्रेड सही जाएगा या गलत जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पता हम लोगों को, हम लोग सही बता ही नहीं सकते ये, ठीक है, ये कोई नहीं बता सकता, मैं क्या कोई नहीं बता सकता, कोई एनालिस्ट नहीं बता सकता, बिकॉज ये सब डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, मार्केट कंडीशन क्या चल रही, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ वही उसी के हिसाब से डिस्कस होती डिसाइडेड होती है, ठीक है। तो हम लोग जस्ट अपना रिस्क मैनेज करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं अच्छी, और अच्छी एंट्री ढूंढते हैं, बस दैट्स आवर वर्क एज अ ट्रेडर, ठीक है। सो एक क्लियर कट आपको VCP पैटर्न, VCP आप लोगों ने वॉल्यूम वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन जो पैटर्न होता है वो एक क्लियर कट बन रहा था, एंड यहाँ पर हम लोगों ने अराउंड बाई करा था, एंड स्टिल वी आर ट्रेलिंग इट, ओके, 20% ऑलरेडी बुकड इन वी मार्ट। रिलैक्सो में भी सेम वही पैटर्न था, बहुत सिंपल था, यहाँ पर अराउंड बाई करा था, एंड स्टिल वी आर ट्रेलिंग दे। अब मूव देखिए कितने बड़े बड़े मूव हैं, एंड इसको होल्ड करने की भी ताकत होनी चाहिए, ये होल्ड जब ही हो सकता है जब आपकी एलोकेशन अच्छी हो। एलोकेशन मतलब कि अब जैसा आप पे 1 लाख रुपए हैं, तो हर एक स्टॉक पर आप 2 से 5 हज़ार रुपये ही डालिए, और उस हिसाब से आप होल्ड करिए, बड़े बड़े गेंस भी आप बुक कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। एक ही ये नहीं है कि एक स्टॉक लिए 1 लाख रुपये उसी में डाल दिए, अगर वो चला नहीं तो आपका पैसे भी चले जाएंगे अच्छे खासे। सो बेटर ये है कि अपनी प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके। नेक्स्ट इज क्रॉम्पटन ग्रीफ, ऑलरेडी वी हैव एंटर्ड एट 300, यू ऑलरेडी नो, हम मैंने शेयर करा था। सो यहाँ से एक अच्छा 400 प्लस के टारगेट अभी देखने मिले हैं, 20% ऑलरेडी बुक, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका भी। क्रॉम्पटन ग्रीफ, ओके, सो ओके, इसमें चार्ट मैंने शेयर नहीं करा, डायरेक्ट बोला था, बिकॉज ये मैंने अपने जो
पोर्टफोलियो में डायरेक्ट मैं बाई करता हूँ, उधर मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ कि मैंने बॉट करा इस तरीके से। तो क्रॉम्पटन भी लुक गुड और लो रिस्क सेटअप था, 300 रुपये का स्टॉक हमने खरीदा था और इतना हमने सपोर्ट एक्सपेक्ट करा था, तो वहाँ से अच्छा खासा मूव आया। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इज गोदरेज एग्रोवेट। ओके, यहाँ हम लोगों ने बाई करा है 2 बार, ठीक है, 2 बार एंट्री करी हुई है। अब मेरे को यहाँ लग रहा है प्रोबेबिलिटी कम लग रही है इसकी सक्सेस होने की, फेल होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, बिकॉज ये बहुत देर से होवर कर रहा है और ये बाउंस नहीं हो रहा है। सो अगर ये बाउंस नहीं हुआ तो हमारा ट्रे जो भी स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, अदरवाइज अगर ये अच्छा खासा मूव कर गया, इस लेवल को ब्रेक करा, तो ये ऊपर ऊपर के टारगेट्स, ऊपर जो ट्रेंड लाइन है उसके लेवल के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसमें लो रिस्क सेटअप था इसलिए हमने दोबारा एंट्री ले ली थी और हमारी कॉस्ट अभी ऊपर ही है। सो लेट्स सी, नेक्स्ट इज जी एंटरटेनमेंट। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट है, जी एंटरटेनमेंट भी ऑलरेडी एंटर्ड एट 220। ओके, 220, और आप ट्विटर ट्विटर देखिए, न्यूज़ देखिए, सारे चैनल वाले मीडिया सेक्टर पे फोकस रखिए, ये और वो। देखो ये अब एंट्री दे रहे हो तो ये उसका फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव एंटर्ड एट 220। तो ये उनसे पहले हम लोगों ने एंट्री कर रखी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये अगर आपको पहले से पता होती तो आप पहले भी एंट्री दे सकते थे। अब क्या फ़ायदा, अब तो सबको दिख गया। सो हम उनसे पहले हम लोगों ने एंट्री कर रखी है और अभी भी हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा मूव आया, और मैंने यही बोला है कि इसमें बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जील में। तो जील में विल सी, और ये जो सेक्टोरियल एनालिसिस में जो मीडिया सेक्टर है वो अच्छा भाग सकता है, ऐसा एनालिसिस में पता चला है। ठीक है, चार्ट में लग रहा है, देखो, डोंट डेयर टू मिस जील बिकॉज बॉट इतने पे, और बिग बिग मूव एक्सपेक्टेड। सपोर्ट हमारा ये था 200 205 का, सो बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब इसमें जील में। नेक्स्ट था के एन आर कंस्ट्रक्शन। तो के एन आर कंस्ट्रक्शन स्टिल वी आर होल्डिंग, और इसमें एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिखा था, जो कि हमारा एक टारगेट था 20% ऑलरेडी बुक, स्टिल वी आर टेलिंग बिकॉज ये ट्रेंड लाइन भी इसने तोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट इस था इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट में जो मूव आया भाई, देखने लायक था मूव। इंडिया मार्ट में वी हैव एंटर्ड अराउंड 5-2 एंट्री हुई थी 4,990 पे, और एक 5,000 के आसपास एंट्री हुई थी हमारी, 5,000 प्लस या 5,100 करीब के पास हमारी एंट्री हुई थी। एंड यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखने मिला हमें, तो वी आर स्टिल ट्रेलिंग 20% ऑलरेडी बुक्ड इन इंडिया मार्ट। ओरेकल फाइनेंस, ओरेकल में ओएफएसएस में हम ऑलरेडी यहाँ पर एंटर करे थे, यहाँ से अच्छा खासा मूव देखने में मिल रहा है। नेक्स्ट है लिंड इंडिया। लिंड इंडिया भी ऑलरेडी एंटर्ड। अब ये भी मैंने बहुत सिंपल पैटर्न देख के आपको रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था जो कि 2019 से फेस कर रहा था, बड़ा मूव आने की एक्सपेक्टेशन थी। वी हैव एंटर्ड एट अराउंड दिस लेवल एंड सब इसके नीचे का स्टॉप लॉस था एंड वी आर स्टिल ट्रेडिंग। नेक्स्ट इज मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में गाइज, अब ये होता है कि आपको अच्छा खासा सपोर्ट लेवल अगर आप नहीं होगा तो आप यहाँ पर मिस कर देते हैं इस तरीके से चांसेस। हम लोगों ने एंटर करी थी यहाँ पर, उसके बाद एक बड़ा फॉल आया यहाँ पर। हमारा सपोर्ट अराउंड दिस लेवल था 1100 का, ठीक है, 1190 के आसपास हम लोगों ने एंट्री करी थी एंड यहाँ से अच्छा खासा मूव हमें देखने मिला, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी उसने, तो यहाँ पर डबल एंट्री हो गई हमारी, मतलब दो पोजीशन क्रिएट कर रखी है हमने, जिसको पैरामेडिंग बोलते हैं हम लोग। सो यहाँ पर हम लोग एंटर्ड है। ओके, सो वी आर एक्सपेक्टिंग बिग मूव इन दिस ऑल्सो मुथूट फाइनेंस। कजारिया क्रिमिक्स, तो कजारिया क्रिमिक्स में यहाँ पर एक पैटर्न आपको मैं दिखाना चाहूँगा, वीकली चार्ट पर क्लियर कट एक पैटर्न था, ब्रेक करा था जिसने कि, और यहाँ पर एक जो डेली चार्ट पर हम लोगों ने जो एंट्री करी थी वो एट अराउंड दिस लेवल करी थी, ठीक है, यहाँ नहीं करी थी, यहाँ पर करी थी, इसके नीचे का सपोर्ट का स्टॉप लॉस था एंड वहाँ से हम लोग स्टिल ट्रेलिंग दिस। ओके, नेक्स्ट इज सुप्रीम इंडस्ट्री। सुप्रीम इंडस्ट्री में पहला हमारा जो, इसमें भी एक जो बड़ी लेवल थी वो तोड़ी थी, ये और जो रेजिस्टेंस था वो टूटा था, दैट्स वाई वी हैव एंटर्ड इन इट। सो यहाँ पर हम लोग एंटर्ड हुए थे 1570 पे एंड सेकेंड एंट्री हमारी हुई थी 1750 पे, एंड स्टिल वी आर होल्डिंग, सो वी आर एक्सपेक्टिंग बिग मूव इन इट ऑल्सो। सो नेक्स्ट इज सन टीवी, एक और मीडिया सेक्टर से। सो ये भी हम लोगों ने एंट्री 440 पे करी हुई है, 20% ऑलरेडी बुकड इन इट सन टीवी में, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा मूव आए। अगेन आई एम टेलिंग यू कि सेक्टरियल एनालिसिस की वजह से बहुत लोग अब स्टार्ट करेंगे मीडिया स्टॉक को बाई करना या रिकमेंडेशन करना। वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड 1 महीने 15 दिन पहले, हम पहले से ही एंटर्ड हैं उसमें। सो ये होता है फ़ायदा एक पहले से ही एनालिसिस करके रखने का, जब ऑलरेडी मूव हो चुका है उसके बाद रिकमेंडेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए,
नेक्स्ट आपका है गोदरेज इंडस्ट्री। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि मुझे बहुत पसंद आई है, और इसमें कोई भी टेक्निकल मैंने कुछ भी देखा नहीं है, बस इतना पता इसमें इतना दिख रहा है कि ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड में था वो एक ट्रेंड रुक गया है और यहाँ पर एक ट्रेंड चेंज होने वाला है, चेंज हो गया है ऑलरेडी और मुझे दिख भी रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइस एक क्लियरली डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पर एक ये हायर हाई हायर लो आपको दिख रहे होंगे किस तरीके से ये नया हाई बनाया, एंड देन इट टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम इट एंड देन इट वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर बिग मूव इन गोदरेज इंडस्ट्री। उसका रीज़न सिंपल है कि जिसने जो ये लो बनाया वो नहीं टूटा, इसने ये फिर एक नया हाई बना दिया, इसने फिर ये लो बनाया वो नहीं टूटा, इसने फिर एक नया हाई बना दिया। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है कि इनसाइड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल, चार कैंडल के अंदर चारों चारों एक के अंदर एक है। सो अब ये कैंडल बनी है सबसे छोटी, इसका जो हाई टूटेगा देन जो मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, वो बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो गोदरेज इंडस्ट्री में। तो नज़र बना के चलिएगा गोदरेज इंडस्ट्री में, और कोई भी इसमें टेक्निकल ज़्यादा यूज़ नहीं करा, सिर्फ ट्रेंड को देखा गया है, ट्रेंड क्या है, और एक जो ये पैटर्न देखा है हमको इनसाइड कैंडल का, मतलब एक कैंडल के अंदर के उसके अंदर फिर उसके अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पर एक बड़ा मूव क्रिएट कर सकती है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं गोदरेज इंडस्ट्री को। नेक्स्ट आपका है इरका। तो इरका एक सॉरी इरका नहीं, ICRA। तो यहाँ पर एक क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, डाउन ट्रेंड यहाँ पर एक ब्रेक करने की कोशिश हुई है, सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से बाउंस हुआ, सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ मूव गुड मूव फ्रॉम इट। ओके अराउंड 3300 और 3500 के आसपास का टारगेट इसमें आप रख सकते हैं, और सपोर्ट लेवल आपके 2750 या 2800 के रह सकते हैं, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ मूव फ्रॉम इट। ओके वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, एक और स्टॉक जो कि मेरी नज़र में अच्छा लग रहा है, जो कि बहुत सिंपल पैटर्न है, जो भी आप भी बोल बता सकते हो, यह है डायमंड पैटर्न, बहुत अच्छा बन रहा है, और एक रेजिस्टेंस जो ये बन रहा था उसको ब्रेक करके और ऊपर ही उसके पैटर्न बन रहा है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव। आप अपनी रिस्क के हिसाब से इसमें पोजिशन बना सकते हैं एंड यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ा मूव। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट अगर आपको नहीं पता हो तो मैकडोनल्ड जो कंपनी है वो इसी की है, ठीक है। सो इसको नज़र बना के रखिएगा और यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बड़ा मूव। नेक्स्ट आपका है फिन ऑर्गेनिक। फिन ऑर्गेनिक एक क्लियरली अब मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ, तो यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था वही एक सपोर्ट क्लियरली दिख रहा है, तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ी रैली फिन ऑर्गेनिक में। अब इसको नज़र बना के रख सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, और ये क्लियरली एक अप ट्रेंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखेंगे प्राइस इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ से एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो दैट द रीज़न बिहाइंड इट, इसको फॉलो करने का, इसको समझाने का और इसको दिखाने का। ओके होपफुली आपको ये सारे स्टॉक्स समझ में आए हों, यही मेरे सारे स्टॉक्स थे दो तीन जिसमें बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्लियरली अपना रिस्क मैनेज करके चलिएगा कोई सा भी स्टॉक हो, ये नहीं है सारी कैपिटल एक ही स्टॉक में डाल लें, नहीं। ओके एटलीस्ट 20 पोजिशंस अगर आप क्रिएट करते हो तो उस हिसाब से एलोकेशन करना चाहिए, क्योंकि तो 5% आता है, 3 to 5% ऑफ टोटल कैपिटल ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द सेक्टोरियल एनालिसिस, जिसमें सेक्टोरियल एनालिसिस के हिसाब से मुझे तीन सेक्टर बहुत अच्छे लग रहे हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला है निफ्टी ऑटो, ऑटो में जितने भी स्टॉक्स हैं ये सारे आप एनालिसिस करिएगा और जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आप उस पर नज़र बना के रख सकते हैं निफ्टी ऑटो में। सेकंड है निफ्टी मीडिया, निफ्टी मीडिया जो मैंने अभी बताया था आपको, तो ऑलरेडी वी हैव एंटर्ड इन जील। ओके एंड जील एंड सन टीवी और आप और भी जितने भी स्टॉक हैं टीवी टुडे, ओके INX एंड सन टीवी 18, DB कॉर्प, डिश टीवी, हैथवे एंड जागरण, आप इस पर नज़र बना के रख सकते हैं और आप इसमें एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से एक अच्छा पैसा बन सकता है। नेक्स्ट आपका जो है वो है निफ्टी एनर्जी। ओके तीसरा सेक्टर है निफ्टी एनर्जी का, जो कि वहाँ पर आप एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि इसमें आता है रिलायंस, याद रखिएगा निफ्टी एनर्जी में रिलायंस आता है, और वहाँ पर रिलायंस ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है जिस हिसाब से निफ्टी बढ़ा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिलायंस से कि एक बड़ा मूव देगा वो, और आप जो भी आपको जो पसंद आए अपने एनालिसिस के हिसाब से तो वो आप वहाँ पर एनालाइज कर सकते हो। मैं आपको रिलायंस का चार्ट एक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, तो रिलायंस का चार्ट ये एक अच्छा खासा एक जो रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, और प्राइस एक कंसोलिडेट होता हुआ एक छोटी नैरो रेंज बना रहा है। सो एक सिंपल इस ट्रेंड लाइन को हम लोग बनाते हैं और यहाँ से जब ये ब्रेक करेगा तो वहाँ पर हम लोग
एंट्री करने की इसमें सोचेंगे रिलायंस इंडस्ट्री में, और एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें रिलायंस में, लाइक इस तरीके से एक मूव यहाँ तक हमें दिख सकता है रिलायंस में। ओके सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो और एनालिसिस समझ में आई हो, सारी स्टॉक समझ में आए हो, और अगर आई हो तो प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस।